जी हाँ, स्वागत है आपका। तो संधि पर ट्रिक, जी हाँ, किस जॉइंट्स को कैसे याद करें। देखिए, याद करना सबसे कठिन काम है, तो आइए इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद करें ताकि पेपर में गलती ना हो। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये दिमाग में रहेगा तो पेपर में कनेक्ट हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। कैसे याद करना, देखिए, कोहली हिज्जे लगाकर पढ़ता है, ठीक है। कोहली कैसे पढ़ता है, हिज्जे लगाकर पढ़ता है, तो कोहली से हो जाएगा कोहनी। क्या समझना है, कोहनी हो जाएगा, ठीक है ना। और हिज्जे से हो जाएगा हिंज ज्वाइंट्स, तो जो हिंज ज्वाइंट्स है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये कोहनी में पाई जाती है। तो एक नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें दूसरे महत्वपूर्ण ट्रिक की, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। कब से जी, लोग कहते नहीं है, अरे कब से जी, तो कब से अगर याद हो गया, कब से जी याद हो गया, तो का से हो जाएगा कंधे में, ठीक है ना। और बा से हो जाएगा बॉल एंड, और से हो जाएगा सॉकेट, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पाई जाती है, कंधे में पाई जाती है। तो आपको याद क्या करना है, कब से जी, तो इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा, गलती नहीं होगी, ठीक। देखिएगा तीसरा ट्रिक है, गदा से पीटो, किससे पीटना है, गदा से पीटना है, तो गदा से हो जाएगा गर्दन में, ठीक है ना। और पीटो से हो जाएगा पीवोट जॉइंट्स, जिसको खोटी संधि भी कहते हैं। तो गर्दन में कौन सी संधि पाई जाती है, कौन सी जोड़ पॉइंट पाई जाती है, तो ये हो जाएगा पीवोट जॉइंट्स पाई जाती है। अब हम चौथे महत्वपूर्ण ट्रिक की बात करें, तो देखिएगा कल गलाई तब खाई, कैसे खाई, कल गलाई, कल गलाएगा मतलब फिर उसके बाद खाएगा, इसका मतलब ये है। तो कल से हो जाएगा कलाई में, और गलाई से हो जाएगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, जिसको फिसलने वाली जोड़ कहते हैं। तो फिसलने वाली जो जोड़ होती है कहाँ पाई जाती है, तो वो कलाई में होती है। तो इस तरीके से याद करेंगे, कल गलाई के तब खाई, इस तरीके से याद करना। देखिए, याद होना बहुत ज़रूरी है। अंगूठे का सैड है, ठीक है ना, ये किसकी छाया है, अंगूठे का सैड है। वैसे भी अंगूठे से ही लोग सैड कर देते हैं, यानी दुखी कर देते हैं। तो अंगूठे में सैड मतलब हो जाएगा सैडल जॉइंट्स, ये बॉल एंड सॉकेट्स का एक छोटा सा रूप है, जिसको सैडल जॉइंट्स कहते हैं, और ये अंगूठे में पाई जाती है। अगर छठे महत्वपूर्ण ट्रिक की बात करें, देखिएगा बस कंधे से कमर तक, ठीक है ना, कहाँ तक नापना है, मापन कहाँ तक करनी है, बस कंधे से कमर तक ही मापना है, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। बस से जाएगा बॉल एंड सॉकेट, बा से जाएगा बॉल, और सा से जाएगा सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, इसको कंदुकखल्लिका संधि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कंधे और कमर में पाई जाती है। कहाँ तक मापना है, बस कंधे से कमर तक, अब गलती नहीं होगी। देखिएगा, नहीं गलती होगी, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये लाइन जरूर आपको याद आएगा और गलती नहीं होगा। एक एक नंबर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। देखिएगा, कोहली ने घुटनों तक कब्जा किया, जी हाँ, क्योंकि कोहली किंग कोहली, ठीक है ना। कोहली ने कहाँ तक कब्जा किया, घुटनों तक कब्जा कर लिया, ठीक। चलिए, कोहली से हो जाएगा कोहनी, ठीक है ना, और घुटनों से हो जाएगा घुटना। कोहनी और घुटने में कौन सी ज्वाइंट्स पाई जाती है, तो कब्जा से हो जाएगा कब्जा संधि, ठीक है ना। तो कोहली ने कहाँ तक कब्जा किया, घुटनों तक कब्जा किया, ठीक। आते हैं आठवें महत्वपूर्ण ट्रिक की तरफ। अब तक सभी ज्वाइंट, सभी संधियाँ एक ही वीडियो में। हथेली गलाई, क्या गलाया, हथेली उसने गला दिया, तो हथेली से हो जाएगा हथेली, और गलाई से हो जाएगा ग्लाइडिंग, यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होती है वो किस में पाई जाती है, हथेली में। तो याद क्या करना है, हथेली गलाई, ठीक है। चलिए देखिएगा, नवा ट्रिक देखिएगा, दांत और खोपड़ी की सोच दोनों में अंतर होती है। दांत की सोच अलग होती है और खोपड़ी की सोच अलग होती है। तो दांत से दांत हो जाएगा, खोपड़ी से खोपड़ी हो जाएगी, और सोच से हो जाएगा सूचर संधि, किस में पाई जाती है, दांत और खोपड़ी में पाई जाती है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं अक्सर पेपर में। और अब बात करते हैं दसवें अति महत्वपूर्ण ट्रिक की, कैसे याद करना। देखिए, हाथ गर्दन पैर और उंगली में साइन है, यानी चमक है, ठीक है ना। हाथ गर्दन पैर और उंगली में क्या है, साइन है। तो यहाँ से सवाल ये समझ में आ रहा कि हाथ गर्दन पैर और उंगली में साइन से हो जाएगा साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स किस में पाई जाती है, हाथ गर्दन पैर और उंगली में, बस इतना याद करना है, ठीक। चलिए, 11वां देखिएगा, 11वां ट्रिक्स बेहद महत्वपूर्ण, देखिए कैसे याद करना है। बैक रिब्स कट गई,
कौन सी रिब्स कट गई, बैक यानी पीछे वाली जो रिब्स है ना वो कट गई, बस इतना याद करना। बैक से हो जाएगा बैक बोन्स, ठीक है ना, और रिब से हो जाएगा पसली। बैक बोन से हो जाएगा आपका रीढ़ की हड्डी और रिब से हो जाएगा पसली। कट से हो जाएगा कार्टिलेजिनियस, क्या बोलेंगे इसको, कार्टिलेजिनियस। आप ये देख लीजिए, तो जो बैक बोन्स होती हैं और रिब्स होती हैं ये किस ज्वाइंट्स के अंतर्गत आती हैं, तो ये कार्टिलेजिनियस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से आपकी जो संधियां हैं ज्वाइंट्स है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।